क्या हुआ बे? क्यों सर पकड़ के बैठा है? अबे यार साला दर्द ही दर्द है भाई, हाथ में दर्द, पेट में दर्द, सर में दर्द, साला मेरी गांड में तक दर्द हो रहा है। अबे गैस ही तो है, हगले जाके इनो पी ले, गोली ले ले, ठीक हो जाएगा। तू करता क्या है कंपनी में? मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ। अबे प्रोग्रामिंग है, मतलब वही पेट दर्द इज इक्वल टू देन डू दिस, इफ सर दर्द देन डू दिस वाला ये चोद भांगड़ा ना मुझको मत बता, ठीक है? डॉक्टर होता तो मान भी लेता। साला ऐसी कौन सी कैसे में जो ऊपर से नीचे तक, गांड से पेट तक घूमे जा रही है। सुन बे, पैराग्लाइडिंग तेरे से ना दो दिवाली फालतू देखी है मैंने, समझा? जाके ऑनलाइन चेक कर ले अगर कुछ डाउट है तो, लेकिन मेरा पीछा छोड़। अबे ऑनलाइन, तू तो पैदा भी ऑनलाइन हुआ होगा और तेरी शादी भी वो जीमेल फीमेल से होगी, है ना? और तेरे बच्चे भी डिलीवर अमेजॉन करेगा। सुन सुन सुन, जाते जाते ये भी सुन ले, डिलीवरी ना टाइम करवाइयो तो थोड़ा जल्दी आएंगे बच्चे। अच्छा ठीक है, सुन मैं ना डेट पे जा रहा हूँ, मैं अभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूँ। चल साला ले ही लेता हूँ अपॉइंटमेंट। एक मिनट, विपिन का कॉल है। हेलो भाई, मैं मर गया भाई। क्या हुआ बे? भाई मैं अभी वर्जिन था भाई, दिल भी नहीं टूटी थी भाई। हुआ क्या भाई? मत पूछ भाई, तेरे भाई का भी कट गया यार, ऊपर वाले ने भी मजे ले लिए भाई। भाई जीते जी मार डाला यार। अबे लेकिन हुआ क्या भाई? मुझे गांड में कैंसर है भाई। क्या? सबको लिया भाई, आखिरी टाइम भाई, सारे मिल लेते हैं, सिर्फ तेरे भाई के पास 3 घंटे हैं। क्या हुआ? विपिन को कैंसर है, उसकी रिपोर्ट में निकला है कैंसर। हाँ हमको अभी जाना होगा। हाँ चलो चलो जल्दी। चुप कराओ इसको यार। मेरे दादी होना था, मेरे साथ ही ये क्या होना था, ना कभी गुटखा, ना दारू, ना सिगरेट, यहाँ तक लौंडियाबाजी भी नहीं करी। शाम हो जा, सब ठीक हो जाएगा। इवन सेक्स भी नहीं किया। तो पहले अभी बता, चुप हो गई, बता क्या हुआ? यार मायरा, कोई लड़की का इंतजाम करा दे यार मेरी खुशी के लिए। मैं दलाल थोड़ी हूँ यार। अजय भाई, तू अपने बंदे से बात करके ही किसी लड़की का इंतजाम करा दे यार, सिर्फ 15 मिनट ही लूंगा। अजय अजय तू कैसी बात कर रहा है यार? वो तो ऋषभ का कांटेक्ट है, मैं कहां से लड़की बुलाने लगा भाई? तू बोलना यार। यार सुन बेटी भाई, कांटेक्ट है मेरा, बट वो बैचलर पार्टी के लिए कभी कभी। अबे सालों, मैं यहाँ मरने जा रहा हूँ और तुम लोगों को ब्लेम गेम की सोच रही है। कुत्तों सालों, शर्म करो। तू फिक्र मत कर। अच्छा ठीक है, तू मेरी बात सुन, तुझे किसने बोला तू 3 घंटे में मरने वाला है? अरे यार इसका रोना बंद कराओ। किसने बोला? डॉक्टर ने बोला तुझे कैंसर है। मैं बताता हूँ मैं भाई, मुझे पहले तुम सबसे कुछ कन्फेस करना है। मैंने अब तक जितने पाप किए, मैं आज सब मरने से पहले तुमको बताना चाहता हूँ भाई। अच्छा तुझे याद है जब तू टूथब्रश कर रहा था और तुझे खट्टापन सा महसूस हुआ और तू कहने लगा कि तेरा टूथब्रश एक्सपायर हो गया है? हाँ। और फिर सारा दिन तुझे खट्टापन लगता रहा, और फिर तूने जब निकिता को किस किया तो उसे भी खट्टापन लग रहा था। हाँ तो भाई एक्चुअली बात ऐसी है ना कि उस दिन भाई मेरा पेट दर्द हो रहा था यार, और कब्ज था भाई मुझे, और वो जो मेरे छोटे से छेद में मलबा फंस गया था ना भाई वहां पर मुझे और कुछ दिख ही नहीं रहा था यार। वहां तेरा सामने छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा टूथब्रश रखा हुआ था, और भाई मैंने उसका यूज करके वो सारा मलबा साफ कर दिया भाई। भाई सॉरी भाई यार। अजय तो 2 मिनट रुक, ठीक है तो 2 मिनट रुक, मेरा जूता कहाँ है? अरे अरे नहीं छोड़ो यार, वो पहले ही मरने वाला है, क्यों मार रहे हो उसको? भाई मुझे लगता है ना कि तुम दोनों के मुंह में भी कैंसर हो गया होगा। देखो मैं तो मरने वाला हूँ, तुम दोनों अपना चेक करा लो। भाई ऋषभ भाई मैं देख तुझे एक बता दूं भाई, तुझे याद है तेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई थी और तुझे लग रहा था कि वो बाहर कहीं किसी से कुछ करा कराई है, उसका कुछ चल रहा है भाई, क्योंकि तू तो कंडम यूज करता था ना भाई। आई एम सॉरी। तो बीसी वो बच्चा तेरा था? अरे नहीं यार भाई, नहीं रे मैंने कुछ नहीं किया भाई। भाई वो तो सिर्फ मैंने कॉन्डम्स पर पिन किया था भाई कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और तुम दोनों शादी कर लोगे और अलग नहीं होगे, क्योंकि मुझको वो निशा की फ्रेंड के भाई ने मुझे बोला था कि वो तुझसे ब्रेकअप करना चाहती है। देख सुन भाई, जो तूने किया काम बहुत सही किया, ऑलरेडी मुझे उससे ब्रेकअप करना था, मुझे मैरिज सेटिंग करनी थी। थैंक यू भाई। है ये कब हुआ? 1 महीना। लेकिन अब तू जा रहा है तो हमने सोचा कि मुझे बता दे। तू हाथ हटा मेरे से, चिपक रही है दगाबाज कहीं की। थैंक गॉड, भगवान का थैंक गॉड, मेरे साथ तूने कुछ नहीं किया ना मेरे भाई। अरे नहीं भाई राजू, तू तो अपना भाई है यार। अरे भाई थैंक यू भाई, तू भाई है मेरा भाई। मगर वो जो तू दिन में अंडरवियर पहन के घूमता रहता है ना और ऐसे ऐसे खुजाता रहता है भाई, वो अंडरवियर ना एक दिन पहले मैं भाई पहन कर ना मैंने उसमें भाई अपने चिराग को घिस घिस के उस अलादीन के चिराग से बहुत जिन्न बाहर निकाले हैं भाई। भाई सॉरी यार भाई राजू। भाई उस अलादीन में से जिन को निकाल कर धोकर तो रखता था ना। अरे भाई ऊपर ऊपर देख गया था भाई मैं, ठंड में कौन धुलता है यार, कौन गीला करे साले। अगर तू मेरा दोस्त नहीं होता ना तो तेरी जान यहीं ले लेता मैं यार। साला ऐसी जिंदगी का मतलब ही क्या? मैं साला अपनी पूरी जायदाद जमीन सब कुछ किसी चैरिटी में दे दूंगा, अपना सारा पैसा। मुझको एक बात बता, वो रिपोर्ट कहाँ है जो डॉक्टर ने तुझे दी थी? कौन सी रिपोर्ट? जिसमें साफ साफ लिखा है कि तेरी कान में कैंसर है। अबे भाई तूने ही तो बोला था कि तेरे गैस है, तू गूगल कर, ऑनलाइन पे चेक कर। मैंने सिम्टम डाले तो मेरे वही सिम्टम निकले, उस पर लिख के आया कि मेरे कान में कैंसर है। और तो ऑनलाइन पढ़ के ये समझ रहा कि तुझे कैंसर तो 3 घंटे में मरने वाला है। अबे तुम लोग कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? मैं ही माता चोर, तुम लोगों से दोस्ती करी साला। भाई 100-200 ज्यादा ले लो, वापस आ जाओ भाई, प्लीज भाई आ जाओ वापस। भगवान तेरा भला करे भाई, तू भिखारी को 1 रुपया देगा, ए भाई भाई तू 1 रुपया देगा, भगवान तुझको 1 लाख देगा, भगवान तेरा भला करे। भाई गाइस अब यहाँ तक आ गए हो तो मतलब वीडियो ऑब्वियसली पसंद किया ही होगा, तो अब करना क्या है? लाइक और वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, नीचे घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं। डोंट फॉरगेट टू डू दिस। लव यू ऑल, बाय बाय।